नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई कार्ड के ऊपर। दोस्तों जहाँ पे पिछले कुछ टाइम में दोस्तों जो स्टेक सेल की बातें चली और उसके बाद दोस्तों आगे क्या करना चाहिए स्टॉक के ऊपर, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और चार्ट के ऊपर क्या लेवल है वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और दोस्तों ब्रोकरेज के टारगेट क्या है उसके ऊपर भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों पहले दोस्तों आपको पता है कि एसबीआई कार्ड यानी कि एसबीआई ग्रुप की कंपनी है, यानी कि दोस्तों काफी अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे अभी ही लिस्ट हुआ है ये स्टॉक, और आपको पता है कि दोस्तों उसका आईपीओ आया था, और जब ये जो स्टॉक है वो लिस्ट हुआ तब दोस्तों कोरोना का वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और पैंडेमिक घोषित हो चुका था। उसकी वजह से दोस्तों स्टॉक ने बहुत ही अच्छा करेक्शन दिखाया मार्केट में, जो करेक्शन आया उसकी वजह से, और उसके बाद स्लोली स्लोली स्टडीली आगे बढ़ता गया दोस्तों स्टॉक। बट यहाँ पे जब पीक बना था तब न्यूज आने लगी जो उनके पार्टनर्स थे उनके जो सेल हुई है उसके ऊपर, और दोस्तों ये वीक में भी पिछले वीक में काफी अच्छा मूवमेंट इसमें मिला था दोस्तों। तो क्या हुआ था वो देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 18 जून का जो डेटा है दोस्तों वहां पे आपको दिख रहा है सीए रोवर होल्डिंग सेल्स सेल की है दोस्तों सारे स्टॉक, बहुत ही ज्यादा ट्रेडेड प्राइस 1003 के ऊपर है दोस्तों, यानी कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी स्टेक सेल है, तो क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होगी दोस्तों। एक अच्छा थोड़ा न्यूज बोल सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली एशिया दोस्तों सिंगापुर बाय किया था दोस्तों कुछ क्वांटिटी 54,09,522 का दोस्तों, वो भी वन सेम टाइम पे दिया था। बट दोस्तों इतनी सारी क्वांटिटी सेल हुई है, सामने बहुत ही बड़ा जो प्लेयर है बाई करने वाला बहुत ही छोट कम क्वांटिटी बाई की है दोस्तों सेलिंग प्रेशर के हिसाब से, उसकी वजह से दोस्तों अभी का जो प्राइस है वो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी उससे नीचे आया है। तो दोस्तों अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के ऊपर पूरा विस्तार से समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग हमें दिखा था, और वहां से दोस्तों स्टॉक ने रिवर्सल भी दिया था, फिर वहां पे ट्रेड किया फिर नीचे आ गया दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट लेवल क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है व्हाइट कलर की, वो है 907.85 का दोस्तों। तो वहां पे आप देखोगे कि स्टॉक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना के बैठा है, जो काफी अच्छा सपोर्ट है, यानी कि दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 और दोस्तों 3 बार वहां पे रेजिस्टेंस भी हुआ था, यानी कि डेली चार्ट के ऊपर ये काफी अच्छा दोस्तों सपोर्ट लेवल माना जाएगा 908 का लेवल दोस्तों। तो इसको नोटेड डाउन करके लिए दो तो बहुत यहाँ से बहुत ही दूर है दोस्तों। अगर वीएफ लाइन की बात करें वो भी काफी दूर है, तो उसका कोई परेशानी नहीं है। और 11.39 दोस्तों जो उसका लाइफ टाइम हाई है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर आएगा दोस्तों। तो आपको जितना नजदीक मिल सकता है 907 के आसपास दोस्तों वहीं पे दोस्तों वेट करके लेना है। अगर हमें अगर 2 दिन पहले की बात करें तो 933 का दोस्तों क्लोज था, 931 के आसपास आया था दोस्तों, इसीलिए मैं स्टॉक कर रहा हूँ स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। 72 रुपीज का मूवमेंट ऐसे स्टॉक में बहुत ही जल्दी आ जाता है दोस्तों। तो जब भी आपको पोजिशनली बनाना है तो यहाँ पे दोस्तों 907 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने अपना पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। अब रही टारगेट की बात, तो दोस्तों ब्रोकरेज के टारगेट बहुत ही फैंटास्टिक है दोस्तों। आईसीसीआई सिक्योरिटी ने एसबीआई कार्ड बाय करने को बोला है, वो भी 1205 का दोस्तों टारगेट है। अगर मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए दोस्तों तो मोतीलाल ओसवाल का भी यही बोलना है कि टारगेट काफी अच्छा आ सकता है, और वो भी 1200 रुपये हो सकता है दोस्तों टारगेट। और दोस्तों जेपी मॉर्गन दोस्तों उन्होंने भी बाय करने को बोला है एसबीआई कार्ड, वो भी 1200 रुपये का टारगेट दोस्तों दे रहे हैं दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों सारे जो ब्रोकरेज है काफी बुलिश है दोस्तों। और अगर अभी ये स्टॉक की बात की जाए तो 972 का दोस्तों अभी क्लोजिंग आया, और दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज देखोगे दोस्तों 62.34% का दोस्तों डिलीवरी है। अगर क्वांटिटी ट्रेड की बात की जाए 31,82,150 का दोस्तों क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है, और डिलीवरी क्वांटिटी 9,19,83,000 का हुआ है दोस्तों, यानी कि काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ दोस्तों डिलीवरी हो रही है। तो आने वाले टाइम में जब भी अच्छे लेवल के आसपास आपको बाय करने को मिले तो दोस्तों लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड के साथ आप इस स्टॉक पे बने रह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये मेरे पर्सनल व्यू है, अगर आपका वीडियो अच्छा लगे दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है दोस्तों तो आप
लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है दोस्तों, तो वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।